नमस्कार, मंजू कैंटीन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी और इजी डोसा वाला चटनी। तो ये बहुत ही आसानी से घर पर बन जाता है। आजकल क्या है कि मार्केट में आपको डोसा इडली का घोल मिल जाता है, उसको आप लेके आसानी से डोसा इडली बना सकते हैं। लेकिन उसके साथ खाने के लिए जो चटनी होता है वो तो हमें घर पे ही बनाना होता है। तो मैं आज इसी की रेसिपी शेयर करूंगी, इसको आप जरूर बनाइए। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले हाफ कप चना दाल को ले लेंगे, हाफ कप मूंगफली ले लेंगे। गैस चूल्हा ऑन करेंगे और उसमें चना दाल को थोड़ा भून लेंगे। जब हल्का खुशबू आने लगेगा, अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। मूंगफली के दाने भी हाफ कप के करीब ले लेंगे, उसको कढ़ाई में भून लेंगे। जब अच्छा खुशबू आने लगेगा, कलर चेंज हो जाएगा, भून जाएगा अच्छा, तब हम इसको निकाल लेंगे। दोनों को ठंडा कर लेंगे। मूंगफली के जो दाने हैं उसके छिलके निकाल लेंगे। इस तरह से हम दोनों हाथों से रगड़ते हुए सारे छिलके निकाल लेंगे और मिक्सर जार लेंगे। उसमें चना दाल जो भून के रखे हैं, मूंगफली, इन दोनों को डाल देंगे। दो हरी मिर्च डाल देंगे, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे, नारियल का बुरादा 2 चम्मच डाल देंगे, आप नारियल भी ले सकते हैं, पानी डाल देंगे और इन सबको अच्छा महीन पीस लेंगे। जो हमने मूंगफली और चना दाल पीसा है उसको हम देख लेंगे, अगर वो ज्यादा गाढ़ा होगा तो अपने अंदाज से पानी मिला लीजिए। और फिर हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो तड़के के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे, 1 टीस्पून सरसों के दाने तड़का लेंगे, 1 लाल मिर्च तोड़ के डाल देंगे, थोड़ा कड़ी पत्ता डाल देंगे और इसको अच्छा पका लेंगे। पीस के रखे हैं मूंगफली के दाने और चना दाल इस कढ़ाई में डाल देंगे, अच्छा मिला लेंगे। हमारा रेडी हो जाएगा डोसा इडली का चटनी। ये बहुत ही टेस्टी होगा और इसको बनाना भी बहुत आसान है और ये हेल्दी भी है। तो इसको जरूर बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक्स। चटनी बनाएंगे, यह बहुत ही टेस्टी चटनी बनेगा। इसके लिए हाफ कप चना दाल ले लेंगे, इसे 2 मिनट भून लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद इसमें 1/4 कप मूंगफली मिलाएंगे। अब इन दोनों को अच्छा भून लेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बहुत ही अच्छा मूंगफली तड़कने लगेगा तब चूल्हे को बंद कर देंगे। अब इसे ठंडा करेंगे। जब तक यह ठंडा होता है तब तक और भी मसाले ले लेंगे, 2 हरी मिर्च, 4-5 लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ा धनिया पत्ती, इन सबको मिक्सर जार में ले लेंगे। अब मूंगफली चना दाल ठंडा हो चुका है, थोड़ा इसे भी डाल देंगे। थोड़ा पानी डालकर इसे बहुत ही अच्छा महीन पीस लेंगे। यह पीस कर रेडी हो गया है। अब इसी जार में मूंगफली और चना जो भून के रखे थे डाल देंगे, नमक स्वादानुसार डालेंगे, नारियल का बुरादा 3 चम्मच डालेंगे। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर बहुत ही अच्छा बारीक पीस लेंगे। हमारा चटनी पीस कर रेडी हो गया है। यह बहुत ही गाढ़ा है, इसमें मिक्सर जार में थोड़ा पानी डालते हुए मिलाएंगे। इसमें और पानी की ज़रूरत है, थोड़ा और पानी मिला लेंगे ज़रूरत के हिसाब से। अब ये चटनी बनकर रेडी हो गया है। अच्छा चटनी बना है। अब इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़का के लिए एक पैन या फिर कलछी गरम करेंगे, उसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे, सरसों के दाने 1 टीस्पून तड़का लेंगे। जब ये तड़कने लगेगा तब इसमें हम कढ़ी पत्ता डालेंगे, 5-6 कड़ी के पत्ते डाल देंगे। अब इसमें 1 लाल मिर्च तोड़कर डाल देंगे, इसे चलाते हुए पका लेंगे जब तक कि मिर्च अच्छा पक ना जाए और सरसों के दाने तड़क ना जाए। बहुत ही अच्छा इसे पकाकर चूल्हे को बंद कर देंगे। अब इस तड़का को चटनी में मिलाएंगे। बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर रेडी हो जाएगा। यह चटनी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बना है और यह बहुत ही आसानी से बन गया है, जल्दी भी बना है। तो इस चटनी को आप डोसा, इडली, उत्पम किसी के भी साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बना है।